निकिता मासी इज योर, मतलब मम्मी और डैडी को नो भाव। और स्किट्टू इतने इंटरेस्ट से देख रही है, कैंडल जो जल रहा है ना वो ही देखती रहती है। ए स्किट्टो, ए पिट्टो, ए स्किट्टो लॉस्ट इन द कैंडल, कैंडल में लॉस्ट है। और निकिता लेके आई सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज, ये रहा। इसके अंदर हमारे फोटो फ्रेम जो मैंने बनाने दिए थे ताकि ये फ्रेम हो। लेट मी शो यू वन। दीज लुक सो गुड। मैं कंफ्यूज हूँ अभी, इनको यहाँ लगाओ कि वो वाले वॉल पे लगाओ कि यहाँ पे, कि कोई एंटर करेगा तो ऐसे दिखेगा। देख, व्हाट डू यू थिंक, लुक गुड ओवर देयर सीना, दिस थिंग लुक्स अमेजिंग। उन्होंने बनाया ना ये, हाँ, इसके ऊपर ऐसा पूरा मैचिंग बनने वाला है। देखती हूँ, चेक करती हूँ, लेकिन ये तो डर पे रहना चाहिए वाला, है ना। मैं वही सोच रही हूँ, बस स्माइल में वेरी गुड, फील पॉजिटिव एंड हैप्पी। सीधा क्या स्माइल है, कैसे बुला रहा है। तो मैं शैनस को अपना कैमरा दिखाना लगा। शैनस कैसा लग रहा मेरा कैमरा? वाओ, आई मीन पूरा देख, गॉड नाइस राइट डूड, इट लुक्स लाइक इट्स मेड फॉर यू। ते ही निकिता ने बोल दिया है, लग गई हूँ पॉटी क्लीनिंग साफ ड्यूटी पे। साफ कर तेरी बेटी का पॉटी। मैं करूँ? मैं कर देती हूँ। स्मेल आएगा, ये डस्टबिन खोलो या इसका किधर फेंक दो हमारे दुश्मनों पर। सारे बच्चों का, सारे बच्चों का पॉटी डायपर साथ में लेके आओ, पूरे दुनिया का डाल दो। वर्स्ट पनिशमेंट इन द वर्ल्ड। और दूसरा वर्स्ट पनिशमेंट इज पुट समबडी इन द रूम विद फुल ऑफ मस्कीटोस। मिर्ची का धुआं इज पावरफुल। हाँ, वो तुझे कैसे पता है? दादी को क्या था ना, दादी रे, दादी पनिशमेंट बहुत सीरियस देती थी यार। निखिल ने बोला कि वो यहाँ पे सो रहा है, उसे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और स्काई जो है जागी रहती है बहुत टाइम, और स्काई कितने प्यार से देख रही है। तो मैंने निखिल के लिए एकदम मस्त बेड सेटअप कर दिया है। एंड यस, हमारा बेड अभी तक यहीं पे है, बिकॉज निखिल ने मुझे बोला थोड़े टाइम के बाद बुलाना। तो ये बेड जो है आज निखिल यहाँ पे सोएगा, तो मैंने अच्छे से सेटअप कर दिया है। एंड फॉर सम रीजन दिस लुक्स लाइक अ प्रीटी नाइस आइकिया सेटअप, है ना निकिता? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जब भी निकिता यहाँ पे आती है हमारा शूट डे चलता है। निखिल थोड़ा कैंडिड फोटो ले रहा है, और आज हमने आउटडोर फोटोज ली, बिकॉज आउटडोर हमारी फोटोज बहुत अच्छी टर्न होती है एंड इट्स लुकिंग फैबुलस। आई टोल्ड यू गाइस कि हमारा नया फेस्टिव कलेक्शन लॉन्च हो रहा है, तो टुडे वी शूटिंग फॉर दैट। आई एम गोइंग टू शो यू गाइस दिस आउटफिट जो आज रात को या कल सुबह तक हमारे वेबसाइट पे लॉन्च हो जाएगा, एंड देन यू कैन डेफिनेटली शॉप इट। And we have kept the affordability wala feedback in mind. So this one is going to be totally affordable and totally festive. Iska link will be in the description box below. Make sure you check it out. And we have all sizes available. Of course, triple XL, 4XL or 5XL hum bahut jald lane wale hain, but up to double XL isme sare sizes available hai. So aisa hi outfit dikh raha hai. It's very very beautiful and this is part of our new collection. Ye sabse pehla outfit hai. This is called the Karishma suit and we were like, white is something that everybody bahut zyada pehante hai, and this dupatta is the, and let me know how So, ये जो दुपट्टा है, this is the Dola Jacquard Batik dupatta, काफी ज़्यादा work किया हुआ है इसमें, and because white बहुत सारे times see through होता है, so we made sure that we provide lining inside, ताकि अगर आप पहनो तो there's no see through. So अगर आप देखोगे material, it has a very nice shine and it comes with lining ताकि see through ना हो. And there's like these bell bottom या boot cut pants. Outfit भी हमने आज फिर से shoot किया, because we thought that the website पे जो pictures है वो justice नहीं कर रहे हैं. So this is a pure organza orange floral suit. काफी beautiful है. It comes with lining as well. और organza का dupatta भी है. And the sleeves have this beautiful button going on and full transparency. So this is a very pretty suit. And there is cotton pants. So people wanted to know, बोल रहे थे कि दीदी please अपने ऊपर कपड़े पहन के दिखाओ कि कैसे लगता है, तो हमको idea आएगा. So this is it. Yeah. समझ गया, शूट करते कौन सोया था हमारे शूट के दिन। अभी हम टीजू नॉटी गर्ल, स्काई व्हाट हैपेंड स्काई, स्काई क्या हुआ बच्चा?
उसको नींद आ रही है. स्काई वाज लुकिंग एट हिम लाइक बहुत थक गई हूँ मैं. इट्स टाइम फॉर अ नाइस शावर एंड देयर इज वन प्रोडक्ट आई वुड रियली वांट. एक्चुअली टू प्रोडक्ट्स आई वुड रियली वांट टू राइट. 10% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश फॉर रफ एंड बम्पी स्किन एंड वन इज द सैलिसिलिक एसिड प्लस चारकोल डेली सिंडेट सोप फॉर एक्ने एंड ऑयली स्किन. आई हैड अ लॉट ऑफ एक्ने हियर ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी एंड वो प्रेगनेंसी की आई थिंक जस्ट लास्ट मंथ से अभी गया हुआ है एंड तब तक देयर वर लाइक दीज रियली बैड पम्पी पिम्पल मार्क्स एंड पिम्पल और पीछे भी बैक पे मुझे बहुत सारे पिम्पल्स हुए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड राइट नाउ आई हैव जीरो मार्क और जीरो पिम्पल ऑन माई बैक रिमेनिंग. ऑफकोर्स हॉर्मोन्स चेंज हुए इसलिए भी एंड बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लीनिंग योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेकिंग अ शावर एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई टेक. यू हैव एक्ने एंड बम्पी स्किन एंड लॉट ऑफ एक्ने मार्क्स ऑन योर बॉडी. You have to try out this body wash. Takes away all the acne causing bacteria. Skin को exfoliation देता है अच्छे से. भी अच्छी और clean दिखने लगती है after using this for good at least 2 weeks. Results don't come so fast. You need to use it for good amount of time and you'll see that as soon as you start using this, नए pimples नहीं आते हैं which I noticed too. So this is a really really good product. Body wash has a very very gel type of formula. Show you by washing कि कितना difference होता है. Look at this, how clean my skin looks and it has such a nice cooling effect on your body because इसमें tea tree oil है of course. And I will show you the comparison side by side that how nice the skin feels. Don't like using a body wash. You can of course use the soap. वैसे इस पैक में दो सोप आते हैं. This is how the soap looks. Super effective है because इसमें salicylic acid है, charcoal है and also there's tea tree. तो ये सारे oil को निकालता है. It removes the bacteria out from your body and also it unclogs pores. And अगर आपको बहुत ज़्यादा active acne है आपके body पे, so it helps fight inflammation as well. I'll leave the link in the description box for both these products. आप check out कर सकते हो. आप मेरा coupon code SHANIS2022 use कर सकते हो to get 20% off at Dermaco. Guess who looks like a model today? Skyu. और जब से निकिता आई है घर पर, निकिता आज तो जा रही है बिकॉज काम हो गया, पर जब से निकिता आई है 2 दिन हम टाइम पे सोए. स्काई रात को 2 बजे सो गई है विदाउट फेल और सुबह उठी है 10-11 बजे. उसका तात्पर्य क्या है कि अगर हम चाहे कि अगर हम दोनों चाहे पति पत्नी तो हमारी बेटी टाइम पे सो सकती है और हम टाइम पे उठ सकते हैं. तो 9 बजे सो जाता हूं. 2 दिन से सो रहा है तू. इतना ससुर का रूटीन फॉलो कर. निकिता आई है इसलिए 9 बजे सोता है, कुछ स्काई का ध्यान नहीं रखता. पर निखिल तुझे रियलाइज होता है तू मेरे साथ क्या कर रहा है? नहीं, क्या कर रहा हूं? तो आज हमारा प्लान है कि निकिता है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, नानावटी हॉस्पिटल, स्काई को दिखाने के लिए. उसका फूड चार्ट अपडेटेड वाला लेना है ताकि हम उसको और चीजें खिला सकें बिकॉज शी इज वेरी क्लोज टू गेटिंग अ टूथ टीथ. अकॉर्डिंग टू माय मॉम ये महीने के एंड तक 7 मंथ कंप्लीट होते होते दांत आ जाते हैं 2. सो वी वर लाइक वी जस्ट वांट टू सी उसको और क्या क्या खिला सकते हैं टू इंक्रीज न्यूट्रिशन. और मेरी निखिल से कंप्लेन है कि निखिल मेरे साथ सही नहीं करता आजकल. अरे बोलना क्या करता है तू, तो ऐसा बोलती है पुलिस वाले के पास बैठी हुई है. देखना यार इरिटेट साइड देखा ये ऐसे नहीं. काम कर, मैं गाड़ी लगा तू गाड़ी चला, 1 घंटा बता रहा है तू ट्रैफिक में चला. चला कौन से एंगल में आई है? अरे तो यार आदमी कभी 1 घंटे में ट्रैफिक चलाने वाला है, 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लग रहा है, दिमाग खराब हो रहा है अभी पिक टाइम पे निकलने का. ट्रैफिक में अटके हुए हैं और वो हमारी ऑडी जा रही है वॉश के लिए. वो ऑडी हमारी जैसे, फिर नंबर देखा ना तो हमारी ऑडी अच्छी लगती है ऐसा लगा लद्दाख वदाख से जाके आई है. और निखिल जो है भावनाओं में बहकर डर गया. मैं उसका एक्चुअली केस ले रही थी कि निखिल मुझे पुराने दिनों जैसा प्यार नहीं करता. ज्यादा करता हूँ, सही बोला. हाँ बहुत ज्यादा करता. अभी अभी जो प्यार है ना वो स्काई ने ले लिया है. नहीं करो उसको प्यार. अरे मैं चाहती हूँ कि तू स्काई को ज्यादा प्यार करे. हर वो लड़का, सुन मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तुम औरतें कभी नहीं समझ पाती. हर वो लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड से या बीवी से अच्छा प्यार करता है ना, वो उसके पेट के निकले वाले बच्चे को उससे ज्यादा ही प्यार करता है. Of course, even I love Sky more, lot more. उसका तो है ही नहीं कोई डिस्क्रिप्शन. ठीक है, और अभी बताता हूँ, I'm an adult, you're an adult. हम लोग किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मासूम बच्ची है, समझ रहे, उसको जरूरत है. मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे को ऐसा कोई शानिस बोलते ना मुझे बहुत गुस्सा आता है. मैं निकल में प्रैंक करने जाती हूँ या उसका केस लेने जाती हूँ, हर बार मेरे पे भारी पड़ता है. बोलो क्यों? बिकॉज़ हमेशा आई ट्राई टू प्रैंक विद हिम, ही गेट्स सीरियस. कुछ भी करो मस्ती उसके साथ,
ही गेट सीरियस एंड उसके बाद में ओ माय गॉड मैं उसको बोलती हूँ कि मजाक मुझे मजाक नहीं कुछ भी प्यार प्यार में तू हमेशा उधर ही उंगली करती है। प्यार में मस्ती नहीं चलता है, कुछ भी ऐसा बोलो तो मस्ती नहीं चलता है। क्या कुछ भी बोलो, खाने के बारे में कुछ बोलो तो मस्ती नहीं चलता है। कुछ भी बोलना है, आई एम टेलिंग यू, अगर हमारे घर में हिडन कैमरा होता है एवरी टाइम आई ट्राई टू प्रैंक निखिल, मेरे पे ही भारी पड़ता है। निकिता पीछे बैठी थी, बोलती क्या होगा, ला झगड़ा झगड़ा बड़ा ही चल रहा है। अरे यार अभी इतना ट्रैफिक में गाड़ी निकालनी है तो मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं निकल का केस चलाता है, उसको मालूम है भाई ये ट्रैफिक में गाड़ी जाना है मेरे को, पर अभी मैंने डिसाइड किया मैं निकल का केस नहीं लूंगी। देखो मैं है हमेशा मुझ पे बात पूछता है निखिल, तेरे साथ कौन सी चीजें मस्ती कर सकते हैं? अभी फिलहाल मत कर, मेरा दिमाग गरम है। देखा अंडा बना दो, अंडा फ्राई भेजा निखिल शर्मा का। आयु का अपॉइंटमेंट इज डन एंड डॉक्टर ने बोला हर हाइट इज नॉर्मल, हर वेट इज नॉर्मल, कोई भी टेंशन नहीं है। और डॉक्टर ने बोला अभी बार बार लेके मत आओ, टाइम से टाइम इसका वैक्सीनेशन का डोज दो और बाकी इसको खाना खिलाओ। एंड डॉक्टर ने फुल अभी डाइट दिया इसको, शी कैन ईट फ्रूट्स बट जस्ट 1 or 2 spoons ओनली इन द बिगनिंग। तो आई ट्राई टू गिव हर चिकू, बस चिकू इज माय फेवरेट फूड ना चिकू। चलो अच्छा है आज निकिता आई तो हमारा हेल्प हो गया, उसका अपॉइंटमेंट भी फिनिश हो गया। हाँ एकदम फास्ट हो गया, वेरी फास्ट। ये क्यों रो रही है, ये नाटक वाला क्राई क्यों हो रहा है? बिकॉज इसको सॉक्स खाने नहीं दे रहे और गुस्सा देखो बदमाश। हंसी और इचकी स्टार्ट। अभी हम जा रहे हैं अंधेरी और निखिल को हो रहा है बहुत सारा त्रास, बिकॉज़ स्लीपिंग वाला टाइम जो है पास में आ रहा है, बट वी हैव वर्क इन अंधेरी 9 o'clock बेड पे जा रहे हैं अपना। आई होप आई विश तू भी स्काई कर 12 बजे बेड पे चले जा, मैं जाऊंगी अगर नहीं गए तो तेरे को उठा लूंगी। निकिता कंफ्यूज कर रही है मुझे, स्काई यू सॉरी योर मास्क इज लाइक दैट। तो हमारा काम हो गया और निकिता जा रही है ऑटो से, बिकॉज निखिल को नींद आ रही है, सो यू लाइक तू ऑटो से जा। निखिल 9:30 को ही सो गया है और ये लड़की सो गई थी बट फिर से उठ गई है, और मैं चाहती हूँ कि अभी निकिता घर चली गई पर हमारा स्केड्यूल जो है टाइम पे सोने का वो टूटे नहीं, सो मैं चाहती हूँ कि ये सो जाए एटलीस्ट, अभी 1:15 हो गया, एटलीस्ट 1:30 या 2 तक सो जाए ताकि हम सुबह के 10 बजे उठ सके। प्लीज किट्टू विल यू गो टू स्लीप, नो 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 लास्ट नाइट तो हद हो गई, मतलब स्काई 2 बजे सोई, 2:15 उठी, फिर वो 4 बजे तक जागी हुई थी, तो 4 बजे जाके सोई है एंड देन आई वाज अवेक कि वो वापस नहीं जग जाए, और फिर मैं 4:30 सोई हूँ और 8:30 वो जो लास्ट क्लिप में आपने देखा वो 8:30 सुबह उठी है, वो 1 घंटे के लिए जागी हुई थी, मैं घर पर अकेली थी बिकॉज निकला पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गया था पासपोर्ट के, एंड लिटरली आज मुझे बिल्कुल नींद नहीं मिली है, बट एटलीस्ट नॉट बैड, आई वोक अप एट 12 सो दैट्स गुड। एंड अभी स्काई तो खेल खेल के हो गया, अभी सोने जा रही है। इसका भी स्टाइल रहता है, सुनाओ मेरे को, इसके लिए रो रही है, आंख बंद है इसकी, अभी देख रही है, बोला Anyways, guys, that's it for this vlog. I hope कि आपको वीडियो देख के अच्छा लगा हो। I will see you guys in the next one.